आर्कमिडीज प्रिंसिपल जो लोग बोलते हैं मुझे सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, तो बस वो ये करें और थोड़ा सा लगाना सीखें, काम खत्म। तो इसके अंदर क्या है, आर्कमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड कंप्लीटली और पार्शली इन अ लिक्विड, इट लूजेज वेट, वो वेट को लूज करेगी और कितना करेगी, इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि अगर मान लो W1 वेट इन एयर है, W2 पूरे का पूरा पूरा वेट है पानी लिक्विड के अंदर, तो लॉस इन वेट क्या है, W1 माइनस W2, और ये लॉस इन वेट क्या आएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दी बॉडी। क्लियर है यहाँ तक? ये बात मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दी है, पर ये बात मुझे अब क्या करनी है, प्रूव करनी है, और आर्किमिडीज के प्रूफ में ये बात को प्रूव किया गया, क्योंकि अभी तो मैंने आपको सिर्फ सिखाया है कि ऐसा होता है, ये बता रहा है ऐसा क्यों होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये मेरे को प्रूफ करना है, तो मैं क्या लिखूंगा इसका प्रूफ। प्रूफ में आप एक डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम में एक बॉडी लेंगे, इस बॉडी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर ए लेंगे, ऑब्वियसली ए नीचे ए ऊपर है, इस बॉडी की डेप्थ इस सरफेस ऑफ लिक्विड से एक्स है और इसकी खुद की हाइट एच है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर, इस ऊपर वाले पॉइंट पर लिक्विड फोर्स लगाएगा F1, इस पॉइंट पर लिक्विड फोर्स लगाएगा F2। अब जब जब मैं ये बोलता हूँ कि F1 F2, लोग कहते हैं हाँ ठीक है लगाएगा और ठीक घर चले जाते हैं। जब घर में रात को पढ़ते हैं वो सोचते हैं कि यार इधर इधर फोर्स नहीं लगती, सर ने इधर ही फोर्स क्यों लगा दी, पानी तो हर तरफ से फोर्स लगाएगा, तो बताओ मैंने ये वाली फोर्स क्यों नहीं ली, क्योंकि मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल फोर्स हमेशा पानी क्या कर जाता है, कैंसल। तुम डूब के देखो तो सही, तुम ऐसे कभी डूबते हो, तुम डूब रहे थे हाथ पैर मारना बंद कर दो, तुम नीचे डूबोगे कि किनारे पे जाके मिलोगे, नहीं मिलोगे, तुम इस तरीके से कभी नहीं चल पाओगे, क्योंकि पानी तुम्हारे ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो लगाता है, तो इधर और इधर की फोर्स को कंसिडर नहीं करना। ऐसा नहीं कि होती नहीं, वो नेट फोर्स क्या हो जाती है, लेफ्ट और राइट की जीरो, राइट। और क्यों जीरो होती है वैसे, कैंसिल क्यों हो रही है, इसमें हाइट सेम है, क्योंकि अगर मैं यहां पॉइंट लेता हूं तो मैं यहां भी पॉइंट लूंगा, यहां का प्रेशर है एच रो जी, यहां का प्रेशर है एच रो जी, यहां की फोर्स है प्रेशर इनटू एरिया, यहां की फोर्स है प्रेशर इनटू एरिया, आपस में क्या कर जाती है, कैंसिल। सही है, ठीक है यहां तक। तो इसलिए यहां पे लेकिन प्रेशर कम है, कितना कम है, एक्स रो जी, यहां पे प्रेशर ज्यादा है पूरे सरफेस पे, कितना, एक्स प्लस एच रो जी, तो नीचे का प्रेशर ज्यादा है तो नीचे की फोर्स ज्यादा लगेगी, ऊपर का प्रेशर कम है ऊपर की फोर्स कम लगेगी। अब आप मुझे ये बताओ कि इधर की फोर्स ज्यादा है इधर की फोर्स कम है, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर ही ऊपर, F2 ऊपर और F1 नीचे, तो F2 विल बी ग्रेटर देन F1, तो ऊपर की तरफ लगेगी, और ये जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, F2 माइनस F1, इसको बोलते हैं अब थ्रस्ट। अब थ्रस्ट क्या चीज है, अब थ्रस्ट पानी के ने जो नीचे से फोर्स लगाई, पानी ने जो ऊपर से फोर्स लगाई, उनका नेट डिफरेंस जो है, नेट फोर्स है, वो अब थ्रस्ट है। तो अब थ्रस्ट F2 नहीं है, F2 माइनस F1 है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि नेट फोर्स जिससे बॉडी ऊपर जाएगी वो अब थ्रस्ट है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या रूल है इसमें। तो ये लो, तो इस केस में सबसे पहले एक काम करो, प्रेशर अपर सरफेस पे एक्स रो जी, प्रेशर लोअर सरफेस पे एक्स प्लस एच रो जी, फोर्स अपर सरफेस पे एक्स रो जी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और यहां पर कोई बताएगा रो क्या चीज है, एक्स रो जी में रो किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की, बॉडी की नहीं, एक्स रो जी तो पानी का कॉन्सेप्ट है, पानी का प्रेशर निकलता है इसमें, सॉलिड का प्रेशर, ये थोड़ी ना मैंने एसी लिया इसकी हाइट एच है तो एच रो जी, एसी में नहीं लगता, ये लिक्विड का चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, फ्लूइड प्रेशर, भाई ये फ्लूइड प्रेशर का फॉर्मूला है एच रो जी, ठीक है, तो लिक्विड का इसमें डेंसिटी रो चल रही है, तो ये फोर्स सरफेस के ऊपर लगी और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फोर्स नीचे लगी, तो नेट फोर्स क्या लगी, F2 माइनस F1, और इसी को क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट क्या लगा, F2 माइनस F1, आप इसे ओपन करें, एक्स रो जी ए कैंसल, तो क्या बचेगा, ए एच रो जी, ए इंटू एच क्या होता है, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू एच क्या है, पूरी बॉडी का वॉल्यूम, तो यहां पर क्या आएगा, बॉडी का वॉल्यूम। अब ये ट्रिक ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वी वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है, बॉडी का वॉल्यूम है,
तो ये बताओ लिक्विड का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ, सेम वी, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये लिक्विड का वॉल्यूम है और ये डेंसिटी किसकी है, लिक्विड की है इंटू जी, तो ये वेट किसका आ गया, ये बॉडी का वेट नहीं है क्योंकि जिसकी डेंसिटी उसका वेट, डेंसिटी पानी की तो पानी का वेट, डेंसिटी बॉडी की तो बॉडी का वेट, हम तो पानी की डेंसिटी यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड की डेंसिटी यूज़ कर रहे हैं तो लिक्विड का वेट है। और देखो मैथमेटिकली प्रूव हो गया क्या, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड अप थ्रस्ट वन एंड दी सेम थिंग, जो मैं अभी अज्यूम करके यूज खुद किए जा रहा था, अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, लेकिन इसमें ये मैथमेटिकली प्रूव है कि यू और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एक ही बात है, कोई डाउट इसमें, ये स्टेप समझ में आ रहे हैं। तो यू इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल में अपथ्रस्ट कैलकुलेट करेंगे तो अपथ्रस्ट सोचेंगे क्या है अपथ्रस्ट का फॉर्मूला, मत सोचें, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड निकालें, और अपथ्रस्ट कैलकुलेशन में डेंसिटी हमेशा लिक्विड की ही यूज करनी है, अपथ्रस्ट में कभी भी बॉडी की डेंसिटी यूज नहीं होती क्योंकि अपथ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है। क्लियर है यहां तक? तो एक बात बताएं, W1 हवा में वेट था, W2 पानी में वेट है, और लॉस क्यों हुआ था, क्योंकि क्या लग रहा था, अप थ्रस्ट, और अप थ्रस्ट किसके इक्वल है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और यही तो हमें प्रूव करना था कि लॉस इन वेट इज अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और यही तो मैंने यहाँ पे यूज किया, लॉस इन वेट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू अप थ्रस्ट, इस स्टेटमेंट को अभी हमने प्रूव किया जो भी सीखा। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का प्रूफ में क्या लिख के आने, अगर स्कूल में आता है तो।